हाय फ्रेंड्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे यूनिट थर्ड से, तो यूनिट थर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यूनिट थर्ड में हमें क्या मिलता है, सेरिकल्चर, फिसिकल्चर, एक्वा कल्चर और लैक कल्चर, ये चारों कल्चर्स यूनिट थर्ड में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैक कल्चर के बारे में। लैक कल्चर में हम लैक का उत्पादन करते हैं जो कि लैक इंसेक्ट से प्राप्त होता है। एक इंसेक्ट होता है लैक नेम का, जिससे हमें लैक प्राप्त होता है और इसे प्राप्त करने की जो विधि होती है वो कहलाती है लैक कल्चर। तो सबसे पहले हम फाइलम, क्लास और ऑर्डर को जानेंगे। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमिप्टेरा एंड इसका जूलॉजिकल नेम है टिकार्डिया लेका। तो इसमें आपका मेन रहता है जूलॉजिकल नेम और ऑर्डर, यही दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ऑर्डर और जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम आपको पता है टिकार्डिया लेका एंड इसके बाद हमारे पास आते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है लैक का कीट है, इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है परजीवी कीट। लैक का कीट होता है परजीवी कीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ पर कि लैक का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। चार ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, कोई नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है भारत। भारत में लैक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है मादा लाख एक बार में कितने अंडे देती है। मादा लाख एक बार में 200 से 300 अंडे देती है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद है लाख का कीट किस पेड़ पर पाया जाता है। जिजिपस म्यूरिडिनिया, इसे हम बेर का पेड़ भी कहते हैं हिंदी भाषा में, जूलॉजिकल नेम है जिजिपस म्यूरिडिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे ज़्यादा व्यावसायिक लाख उत्पन्न करता है, जो व्यावसायिक लैक होता है वो सबसे ज़्यादा कौन, मेल फीमेल कौन करता है। तो इसका सेकेंड आंसर है फीमेल लैक, फीमेल लैक सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है लैक में रेजिन की मात्रा होती है, चार ऑप्शन है 40, 50, 68 to 90, 80। तो थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा 68 से 90%। नेक्स्ट है लाख का मुख्य संगठन है, लाख का मुख्य संगठन किसके हैं, गोंद, वर्णक, मोम, रेजिन। इसका फोर्थ आंसर राइट रहेगा गोंद, वर्णक, मोम, रेजिन। क्योंकि अभी हम लैक कल्चर की बात कर रहे हैं तो लैक से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में आता है कि भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय लाख शोध संस्थान हमारा कहाँ स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है रांची में स्थित है, याद रखिएगा रांची। नेक्स्ट है लाख का मुख्य संगठन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पानी, रेजिन, मोम, कोई नहीं। तो रेजिन लाख का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट है लाख उत्पन्न होता है, लाख किससे उत्पन्न होता है, शरीर के श्राप के रूप में, लाख शरीर के श्राप के रूप में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है टहनी पर से अंडों के साथ प्राप्त लाख को क्या कहते हैं, तो ब्रूड लाख कहते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट है, टहनी वाले लाख को ब्रूड लाख कहा जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, तो टहनी पर अंडों के साथ प्राप्त लैक को तो हम ब्रूट लैक कहते हैं, पर यहाँ पर शीट लैक अगर आता है तो शीट लैक हमें कैसे मिलता है और शीट लैक होता गया है, तो जो ब्रूड लैक होता है टहनियों से अंडों से प्राप्त होता है, उसी को जब हम कूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं शीट लैक। शीट लैक और ब्रूड लैक आपको समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि लाख की सबसे अच्छी किस्म है, लाख की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, सेकेंड ऑप्शन राइट है कुशमी। इसी के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सस्ता एवं ख़राब लाख है, तो ढाक लाख होता है वो सबसे सस्ता और ख़राब लाख माना गया है। एंड इसके बाद हमारा आता है सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर में क्या होता है, रेशम के कीट को पालकर रेशम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। उस कीट को सिल्क वॉर्म कहते हैं। इसका फाइलम है देखिए आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। तो ऑर्डर पूछता है आपसे एंड जूलॉजिकल नेम की बात आती है, तो जूलॉजिकल नेम है बॉम्बेक्स मोरी। तो बॉम्बेक्स मोरी इसका जूलॉजिकल नेम है, फाइलम, क्लास और ऑर्डर तीनों ही आपको पता चल चुके हैं, तो मेन यहाँ पर आपका रहेगा ऑर्डर और जूलॉजिकल नेम बॉम्बेक्स मोरी। एंड इसके बाद देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में फर्स्ट है सहसूत रेशम का कीड़ा है,
इसका आंसर है बॉम्बेक्स मोरी। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो कीट होता है वो रेशम का कीड़ा होता है और वो सहसूत के पेड़ पर रहता है। नेक्स्ट है सिल्क मॉथ के कोकून को मारने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है स्टीरिफिंग। एंड इसके बाद है सिल्क वॉर्म का पालन कहलाता है। सिल्क वॉर्म का पालन क्या कहलाएगा? सेरिकल्चर। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा कि सिल्क को पालकर जो कोकून प्राप्त होता है वो सेरिकल्चर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म की किस अवस्था में सिल्क प्राप्त किया जा सकता है, तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइट कोकून, कोकून अवस्था से सिल्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बॉम्बेक्स मोरी किस की पत्तियों का भक्षण करता है, बॉम्बेक्स मोरी जो सिल्क वॉर्म का कीट होता है वो सहतूत के पेड़ पर ही रहता है और सहसूत की पत्तियाँ ही खाता है। नेक्स्ट है स्पिनेरिट किसका लार्वा है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है रेशम कीट, मधुमक्खी, मच्छर या कोई नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पर सेरिकल्चर से रिलेटेड है तो रेशम का कीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलेचेरी है क्या है? रेशम कीट का रोग। फैलेचेरी एक रेशम कीट का रोग है जो उसे हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।